छिंदवाड़ा जिले से बड़ी संख्या में छात्र छात्रा पढ़ाई करने के लिए प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में गए थे, जिसके बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन कर दिया गया। इस दौरान सभी बच्चे जहां पढ़ रहे थे वहीं फंसे हुए थे। आखिर 2 महीने बाद इंदौर के पीथमपुर से 2 बसें 57 छात्र छात्राओं को लेकर छिंदवाड़ा पहुंची। छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद सभी छात्र छात्राओं की स्क्रीनिंग की गई और सभी बच्चों को नाश्ता देकर अपने अपने घर पहुंचाया गया। न्यूज लाइफ एमपी के लिए छिंदवाड़ा से महेश चांडेकर की रिपोर्ट। वहाँ पर 3 महीने मतलब अभी हम लोग होली के बाद गए थे वहाँ पर, तो 17 तारीख को गए थे, 17 फरवरी शायद समथिंग, तो तब से फंसे हुए थे हम लोग अभी। तो उसके बाद से फिर अभी मतलब आने की बहुत कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया आना। फिर अभी मतलब ऑनलाइन भी हम लोग ने बहुत सारे वो अप्लाई किए थे लेकिन सारे कैंसिल हो गए थे। फिर अभी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी क्योंकि राशन वगैरह भी ख़त्म होने लगा था, जितना स्टोर था वो तो सारा ख़त्म हो गया था। फिर अभी हम लोग ने फिर एक भैया का कॉल गया हम लोगों को, तो कल थोड़ा बताया गया था कि वो दैनिक भास्कर से कुछ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बोला गया है, तो फिर इसलिए फिर हम लोग को बस में सारी सुविधाएं दे करके यहाँ ला के छोड़ा है। अभी तो हम घर पहुँचे भी नहीं है लेकिन यहाँ तक आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग को जिन्हें भी हमें यहाँ तक पहुँचाया। और बाकी तो अभी हम लोग को कोई इशू नहीं है, घर तक सही से पहुँच जाएंगे। क्या नाम है? रंजीता दुर्वे जी। थैंक यू। आज इंदौर से लगभग 67 बच्चे छिंदवाड़ा आए हैं और वो कई दिनों से लॉकडाउन के कारण इंदौर में फंसे हुए थे। वो लगातार मांग कर रहे थे, छिंदवाड़ा के सांसद ने उनको लाने के वादे किए लेकिन उनकी कोई व्यवस्था नहीं बनी। जब हम तक के जानकारी मिली, हमारे मंत्री सम्माननीय तुलसी सिलावटी जी से हमने संपर्क किया, बातचीत की और उन्होंने 2 बस के माध्यम से इन बच्चों को छिंदवाड़ा पहुंचाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय तुलसी सिलावट जी का, जिनके माध्यम से बच्चे आए। आज इन बच्चों से सभी से मिला, उनके हालचाल जान करके यहाँ पर बिस्किट वगैरह का वितरण किया।